आज का मैच बेहद ही रोमांचक रहा। सीएसके ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर ये साबित कर दिया कि उनमें कितना दम है। और सीएसके की जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आखिरी वक्त में पूरा मैच पलट कर रख दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि सीएसके मैच जीत नहीं पाएगी क्योंकि धड़ाधड़ विकेट गिरते चले जा रहे थे। लेकिन जब रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पूरा मैच सीएसके की झोली में डाल दिया। दरअसल आज के मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, और उनका यह फैसला गलत साबित हुआ। धोनी के गेंदबाजों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को ऐसे अपनी जाल में फंसाया कि हर कोई हैरान रह गया। कोलकाता की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए, और उसके बाद जब धोनी की टीम मैदान पर उतरी तो शुरुआत बेहद शानदार रही। ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 40 रन बनाए, तूफानी पारी खेली। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस ने भी 30 गेंदों में 44 रन बनाए। मोइन अली भी जाते जाते 28 गेंदों में 32 रन बना गए, लेकिन उसके बाद लगने लगा कि सीएसके मैच हार जाएगी क्योंकि लगातार विकेट गिरने लगे। केकेआर के गेंदबाज सीएसके के बल्लेबाजों पर हावी हो रहे थे, और वो वक्त भी आया जब 9 गेंदें बची थी और 18 रन चाहिए थे, तब मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने आते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी, गेंदबाज को मौका नहीं दिया संभलने का, ले चौका ले छक्का। लेकिन जडेजा उस वक्त टीम का साथ छोड़ गए जब उन्हें एक गेंद में एक रन चाहिए था। वो नारायण की गेंद पर LBW आउट होकर 8 गेंदों में 22 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन जाते जाते वो मैच तो जीता ही गए थे। रविंद्र जडेजा के बाद दीपक चहर मैदान पर उतरे और उन्होंने आसानी से 1 रन बना लिया, और ये मैच सीएसके आसानी से जीत गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा, आखिर तक सांसें रोक देने वाला मैच। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।